बोलिए सतगुरुदेव की भक्त मंडली की आज के आनंद की। आप इससे अंदाज लगाएं कि ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे रहस्यों को साहिब ने बोला है जिनका कहीं प्रमाण नहीं मिलता। लोग सिर्फ सगुण निर्गुण तक उलझे थे, चार मुक्तियों तक की बात शास्त्रों में आई, उससे आगे की साहब ने बात की। ये बात कोई कपोल कल्पनाएं नहीं थी, ये इसमें वजन है। अगर साहब ये कह रहे हैं शिव गोरख सो पार न पाए और जीव की कौन चलाए, मैं इस प्रसंग को कई बार उठा चुका हूं। 14 लोग की बात करने वेद कर रहे हैं, बस 3 लोग तक की बात वेद कर रहे हैं। ररंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले ररंकार पहचाना, सिद्ध साध त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके, परम पुरुष घर अधर तार हैं, अधर तार के आगे उसके आगे कोई न बखाने सभी शब्द में पागे। ये कपोल कल्पित बातें नहीं हैं, बड़े बड़े ऋषिश्वर गोरखनाथ जैसे योगेश्वर भी कबीर साहब से दीक्षा ले लिया। काशी का राजा प्रमाण है सामने, वीर सिंह बघेल कबीर साहब से दीक्षा लिया। ये तो धन्यवाद है इतिहासकारों का कि उन्होंने लिख रखा है, नहीं तो लोगों ने ये भी नहीं मानना था। काशी का सबसे प्रकांड विद्वान सर्वदानंद पंडित भी कबीर साहब से दीक्षा ले। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि दिमाग खुद कुछ नहीं विचार करता है, दिमाग को तरंगे किसी और जगह से आती हैं। थोड़े समय बाद वैज्ञानिक हमारी पूरी बातों को सहमत करेंगे, करेंगे नहीं? आप कैसे कह रहे हैं करेंगे? आपका हर एक तर्क जो है वो अध्यात्म तो छोड़ो, आंखें बंद करके मानने वाली बात नहीं है, पर आप फिर प्रूफ में बताते हैं। अरे दूसरी बात, जो जो बातें बोल रहे हैं वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, आपने जो जो कहा वो स्वीकार कर रहे हैं। तो मैंने आईजी को कहा ब्रेन इज ओनली डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर और मैसेज इज कमिंग फ्रॉम अदर साइड। हमारा दिमाग संकल्प नहीं उत्पन्न करता है, सुषुम्ना में मन बैठ करके वहां से संकल्प उत्पन्न कर रहा है। अभी वैज्ञानिक मान गए, वो आईजी साहब का जो लड़का था वो कोई मेरा भतीजा नहीं है न मेरा शिष्य है, वो कह रहा है बाबा अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं ब्रेन में विचार कहीं से और जगह से आते हैं, ब्रेन खुद विचारों को उत्पन्न नहीं करता है, और मैं ये कह रहा हूँ शून्य में बैठकर मन तरंगे दे रहा है, शून्य में बैठकर मन तरंगे दे रहा है, और मरण मन तरंग में जगत भुलाना। मेरा मुझे मानना है कि आप भी पानी सुनकर वो रिसर्च करना शुरू करते हैं कि भाई ये वाकई वो चीज हो रही है कि नहीं। सही बात है, जिस तरह बड़े बड़े पंथ मेरी वाणी को लोगों अपना लगा करके तोड़ मरोड़ कर बोल रहे हैं,
पिछले 3 साल से मैं टीवी देखने लगा हूँ, पहले नहीं देखता था, फुर्सत ही नहीं थी। मैं रांझड़ी में रुकता कहाँ था? डॉक्टर साहब रुकता था क्या? कहाँ रहता था? आपने 92 से तो आराम किया है, पीछे देखा ही चलते ही। तो अब मैं प्रीचरों को देख रहा हूँ, सही में उनके पास मशाला है ही नहीं, डी साहब कोई मटेरियल नहीं है उनके पास। अब दुनिया सिर्फ ये सुन सुनकर उब गई है। अब वैज्ञानिक ब्लैक होल की बात कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 50 साल बाद, हालांकि वैज्ञानिक अभी भी कह रहे हैं हमने ईश्वर को देख लिया, गॉड पार्टी लिख, 50 साल बाद वो इतना क्लियर ब्रह्मांड की रचना को बोलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया बनाने वाला भी वो जान जाएंगे, दुनिया मिटाने वाला भी जान जाएंगे, ये इंसान निरंजन तक पहुँचेगा, आगे नहीं पहुँच सकेगा। आदि शक्ति को निरंजन ने कहा, ये तीनों पुत्र तुम लो, राज्य करो, मेरा भेद किसी को नहीं देना। अब देखना, कहे बहुत बुझाए देवे गुप्त भय तब आए हो, शून्य गुफा निवास कीनो भेद लहे को ताए को, वह गुप्त भय उपन संग सबके मन निरंजन जानिए, मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आप प्रकट आनिए। यानी निरंजन शून्य गुफा में गया, शून्य में समा गया, वहां बैठ करके पूरी दुनिया का संचालन करता है। अब वैज्ञानिक ब्लैक होल के लिए क्या कह रहे हैं, वो व्हाट इज द ब्लैक होल, वो कह रहे हैं ब्लैक होल 5 तत्वों का घोल है, उसमें 78% इज ए डार्क मैटर आकाश तत्व एंड 22% इज डार्क एनर्जी। डार्क मैटर क्या है? आकाश तत्व। और वैज्ञानिक कह रहे हैं डार्क मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, डार्क मैटर आधार है सृजन का। और हम कह रहे हैं आकाश तत्व से ही वायु उत्पन्न हुई, वायु से ही अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि और वायु के योग से ही जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी। अब आप थोड़ा विचार कर लो, वो कह रहे हैं जितने पार्टिकल हैं ब्लैक होल उनको खींचता है और अपने में मिलाकर उनके अस्तित्व को खत्म करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान से सुनना, वो इनको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, पार्टिकल कन्वर्ट इन वेव एंड वेव कन्वर्ट इन पार्टिकल। उदाहरण के लिए अभी उस मकान को नहीं खींच सकता है, पर उस मकान को खींचने के बाद अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और धीरे धीरे वो सभी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता जाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ाकर पूरे पार्टिकल्स खत्म कर देगा स्थूल। अपनी ताकत कैसे बढ़ाया, आओ बताता हूँ। मैं मिलान कर रहा हूँ, ऋग्वेद कह रहे हैं ईश्वर निराकार है,
जेते दृश्यम तेते अदृश्यम, ईश्वर निराकार। यजुर्वेद कह रहा है नहीं, निराकार मीन्स नथिंग, वो नहीं दिखता है। उस परमात्मा ने अपने आप को पांच तत्वों में व्यक्त करके पूरी एनर्जी इसमें डाल दी है। वो परमात्मा निराकार साकार में है, पूरी शक्ति अपनी इसमें तत्वों में डाल। वेरी करेक्ट। अब आप देखो, जल में ताकत है कि नहीं, हवा में ताकत है कि नहीं, आग में ताकत है कि नहीं, पृथ्वी में ग्रेविटी है कि नहीं, और आकाश में भी, सबको विलोम कर सकते हैं। इसलिए वो इन तत्वों को, अग्नि को भी पूज रहे हैं। यही परमात्मा का रूप है। देख लिए आप, थ्योरी समझना। जब वो निराकार पूरा सृजन करता है तो बहुत छोटे से अस्तित्व में हो जाता है, यानी अब इसलिए जो भी ये मटेरियल बना उसी का ही हुआ कि नहीं हुआ। अब साहब कह रहे हैं सर्वगुण निर्गुण एक ही जानो, झूठा सकल पसारा जानो, निरंजन का खेल है। बाद में ये पूरी दुनिया बन गई। दुनिया बनने में कितना टाइम लगता है? दुनिया बनने में कई अरब साल लगते हैं। दुनिया मिटने में कितना टाइम लगता है? कई अरब साल। जो मैं आज बात बोल रहा हूं 50 साल बाद वैज्ञानिक बोलेंगे इनकी रफ्तार स्लो है। क्यों इतना लंबा टाइम लगता है? पहले वो निराकार आकाश तत्व को उत्पन्न करता है। आकाश मैच्योर होने में टाइम लगता है। आपको आकाश तत्व मैं दिखा सकता हूं। अंधेरे में देखना, जब घोर अंधकार में आप खुली आंख में भी देखना, आपको कुछ अंधकार मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो अजमा लेना। आकाश की भी चाल है, सभी तत्वों की चाल है। भौतिक तत्व इसलिए तो कह रहे हैं जो विजुअल है। आकाश विजुअल है, कालो रंग आकाश को, तो उसमें स्वाभाविक वायु है। अब वायु और आकाश के संसर्ग से अग्नि उत्पन्न होती है। बहुत लंबा टाइम लगता है अग्नि और वायु के संपर्क से जल बनता है। बहुत लंबा टाइम लगता है। दिया जल रहा है, अगर ढक दो तो बुझ जाएगा ऑक्सीजन। मछली को फेफड़े हैं, पानी में रहती है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मछली ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? पानी से कैसे? हाँ, कहने ना, जल गैसों का मिश्रण है। उसका सिस्टम ऐसा है कि वो पानी से ही ऑक्सीजन निकालती है, ये उसमें गुण है। बाहर आने पर वो उसका सिस्टम काम नहीं करता है, इसलिए तड़प के मर जाती है। आपके फेफड़ों का और सिस्टम है, बहुत लंबे टाइम बाद जल बनता है। जल बनने के बाद कई करोड़ साल बाद पृथ्वी उत्पत्ति है। इसी पर काई आती जाती है धीरे 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 धीरे, इसलिए कहते हैं शुरू शुरू में जल था। अरे जल कहाँ से आया, वो उसके आगे की कहानी नहीं जान रहे। तब क्षीर तोर जस परत मलाई, साहिब करें जैसे दूध पर मलाई आती है, तस जल पर पृथ्वी ठहराई। अब एक सवाल है, आप ग्लोब में देखना, बड़े बड़े समुद्रों के बीच में छोटे छोटे टापू हैं, गल क्यों नहीं रहे? इतने छोटे छोटे
पैसिफिक सी में, प्रशांत सागर में, अटलांटिका में, कई और जगहों पर आप देखें, छोटे छोटे टापू समुद्र के बीच है, दूर नहीं जाओ, अंडमान निकोबार देखो, मैं देखा, लंबी पट्टी है और गहरे समुद्र के बीच है, घुल नहीं रही। इस तरह यही पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी है ही जल। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जल के नीचे पेड़ पौधे भी है, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर पेड़ पौधे भी हैं, वो उसी टाइप के हैं, उनको सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर पृथ्वी बनती है, फिर धीरे 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 निरंजन मानव का विकास करता जाता है। आप देखो, अब उसने पूरी एनर्जी डिस्प्ले की अपनी, किसमें, पार्टिकल्स में। इसलिए यजुर्वेद कह रहे हैं सरगुण ब्रह्म, तीर्थ देवी देवता स्थान, किसी सरगुण पूजक को भी पूछना, इतनी डिटेल में नहीं बताएगा। डॉक्टर साहब बताएगा क्या, बताएगा इस धातु को, बता पाएगा, उसकी स्टडी भी नहीं है, साधना भी नहीं है। इसी तरह पिंड और ब्रह्मांड दोनों एक जैसे हैं। मैं आपको अंतर ज्ञान के द्वारा ही ये बात बता रहा हूँ, स्टडी के द्वारा नहीं बता रहा हूँ। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए आप, इंसान की मौत कब शुरू होती है, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का प्रलय उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से दुनिया बन जाती है, उसी दिन से प्रलय शुरू हो जाती है, ठीक है। इंसान की मौत उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से जन्म ले लेता है, उसी दिन से उल्टी गिनती। अभी दुनिया बनने के साथ ही मिटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मकान का मिटने का सिलसिला कब से शुरू होगा, जिस दिन से बना, ठीक है ना। कहेंगे भाई साल पुराना हो गया, पांच साल पुराना हो गया, अब 35 साल पुराना मैंने लंगर बनाया, अभी डेमोलिश करना पड़ेगा, रांझणी वाले। जिस दिन जो चीज बनती है उस दिन से उसका विनाश शुरू है। आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से आपकी मौत शुरू है, ठीक है। इसलिए मिटने में भी बहुत टाइम लगता है। इस तरह ये निरंजन की मजबूरी है दुनिया बनाना। ये महाप्रलय करने के बाद में सभी आत्माओं को खप्पर में ले जाता है, उस ब्लैक होल में सभी डिस्ल्यूट होते हैं, आत्मा नहीं होती है। क्यों, अभी चंद्रयान 2 आकाश में भेजा तो उन्होंने पूरी पूरी उसकी गुणवत्ता देखी, वैज्ञानिकों ने, मैं टीवी पर देख रहा था, उसकी ग्रेविटी कितनी है पता है चांद की, कोई बताया, हाँ ये है। इसलिए ज़्यादा उसका आकर्षण नहीं है। और चंद्रयान की लैंडिंग के समय सॉफ्ट लैंडिंग होना चाहिए, नहीं तो यान टूट जाएगा। और यही इसराइल का हुआ, इसराइल में भी भेजा था चांद पर, वो इसलिए डिस्टर्ब हुआ, लैंडिंग हाई हुई, ब्लास्ट हो गया। अगर ये मिशन इंडिया का सक्सेस हो गया तो ये दुनिया का तीसरा नंबर देश हो जाएगा, चाइना और रशिया के बाद ये होगा, अमेरिका के पास भी नहीं है टेक्नोलॉजी। शून्य गुफा निवास किनो भेद ले होता है, उसको कोई जान ही नहीं रहा। अब पूरे ब्रह्मांड को भी इसी सिस्टम से चला रहा है, जिस पिंड से, वहाँ से संदेश देता है, अब ये कर, अब ये खा, अब ये जा, वहाँ जा, फलाना कर, इसे लड़, ये पूरे ये सिस्टम जीवन के अंग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए ब्रेन इज ओनली डिस्प्ले ऑफ द मन, ये सिर्फ ये खुद करता नहीं है। अब वैज्ञानिक यहाँ पहुँचे तो वेरी गुड, और ये सुषुम्न मध्य बसे, वहाँ से तरंगे देता है। मैं कितनी बार बोला, मन तरंग में जगत भुलाना, आप 10 बार टीवी पर देखकर भी नहीं समझ पाओगे, मैं एक बार समझ जाऊंगा, मैंने अभी बोला तभी भी नहीं समझ पाओगे,
बहुत मुश्किल है। जिसे याद है वो आबाद है, जो भूल गया बर्बाद है, कहावत भी है ना। इस तरह से कह रहे हैं वो शून्य गुफा निवास किनो, वही है ब्लैक होल, वही निरंजन है। इसलिए वो सबसे ऊंची ऊंची पॉइंट पर बैठा है, सात चक्रों में, मूलाधार चक्र पर गणेश जी सर्व कार्य सिद्धक, शिशिर इंद्र पर प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, स्पम ओवम वहीं बन रहा है, नाभि में विष्णु जी पूरा डाइजेशन सिस्टम और पूरी बॉडी का संचालन कर रहा है, हृदय में शिवा अहंकार कॉन्सेप्ट जो फील करो यही शिव है, अगर ये नहीं हो तो दुनिया नहीं चलेगी। देखा तीनों का महत्व, यही तो गॉड जनरेट जी ओ ऑपरेट दी डिस्ट्रॉयड, जो सृजन करता है पालन करता है नाश भी कर सकता है। वो अंग्रेज कह रहे हैं गॉड, हम कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और मुस्लिम कह रहे हैं मिकाइल जिब्राइल इज़राइल। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे आप प्रकटानी है, इसलिए वहाँ से ब्रेन तक वो बातें नहीं पहुँचने देता है। साहब ने कितना सुंदर विश्लेषण दिया, तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन, अरे साहब की वाणी तो अमृत है, तो पॉइंट है मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, जैसे स्मरण करोगे ध्यान हटा देगा वहां से, यही है काल पुरुष।